मेरा प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास हमारा सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग या डी लौह युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह तांबा थी। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाण काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष कहीं भी नहीं मिले हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह उस समय प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरण थे। नवपाषाण काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। अग्नि का प्रयोग तथा सर्वप्रथम कुंभकारी इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो टेबल्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, वो है उत्तर डी। डी के अकॉर्डिंग उदयगिरी का मेल है शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभ आदि। बी भीमबेटका का मेल है प्रागैतिहासिक शिला चित्र। सी बांधवगढ़ का मेल है राष्ट्रीय उद्यान। डी चित्रकूट का मेल है रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घगरिया, सी बगही खोर या डी लेखाहिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मिर्जापुर में स्थित लेखाहिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ए 647 ईस्वी में, बी 1013 ईस्वी में, सी 711 ईस्वी में या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत के सिंध राज्य पर सफल आक्रमण किया था, जहां का राजा दाहिर था। लेकिन अरबों की इस विजय से भारत में उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका और अरब आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव भी नहीं पड़ा। सुबुक्त गीन के बाद गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनवी बैठा और उसने बगदाद के तत्कालीन खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। इसी के साथ उसने हिंदुस्तान के काफिरों पर लगातार आक्रमण करने की शपथ भी ली। पहली बार उसने 1000 ईस्वी में सिंध के राजा जयपाल पर आक्रमण कर उसे हराया और सिंध को लूटा। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच उसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया और उसे लूटा। उसने 1025 ईस्वी में उसने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी
नसरुद्दीन कुबाचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और इस बार इसका मुकाबला खोखरों से हुआ। इसने खोखरों को पराजित किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि इसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासन रोण होने के समय ऐबक ने अपने को मालिक एवं सिपलहसार की पदवी से संतुष्ट रखा। इसने अपने नाम से न तो कोई सिक्का जारी करवाया और न कभी खुदबे पढ़वाए। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी स्थापित की। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगवाया। डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुबर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा अन्य तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, भारत ने फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया। ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचिन, डी कासिम बाजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सन 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन के अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने या डी अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसका प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ सके। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना भेजी और अंततः हुगली पर कासिम खां के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अगला प्रश्न, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। ए वोडियारों के, बी जमोनेरों के, सी होयसलों के या डी मराठों के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा प्रपत्रों के लिए किया जाता था। इस लिपि का प्रयोग शिवाजी व पेशवाओं के प्रपत्रों में देखा जा सकता है। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। पहला सवाल, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए उल्का, बी धूमकेतु, सी उल्कापिंड और डी शुद्र ग्रह। इसका सही उत्तर है डी। सौर मंडल में मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य उपस्थित छोटे छोटे आकार वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी सूर्य, डी जुपिटर और डी चंद्रमा। इसका सही उत्तर है डी चंद्रमा।
चंद्रमा का वह स्थान जहां मानव ने सर्वप्रथम पैर रखा, उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। 16 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वाले चंद्र तल पर उतरे थे। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का चमकीला भाग पर्वत है, जबकि गहरे धब्बे निम्न मैदानी भाग हैं। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर लिब्निटिस पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,760 मीटर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकंड लगते हैं। अगला सवाल, सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 23 जून और ऑप्शन डी 23 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ध्यातव्य है कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसी से दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी होती, तथा दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न, वृहद जवार कब आता है? ऑप्शन है ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन बी, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऑप्शन सी, जब तेज हवा चल रही हो। और ऑप्शन डी, जब रात बहुत ठंडी हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। ज्वार दो प्रकार का होता है, वृहद ज्वार जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, स्थिति को युति व्योति या सिजीगी कहते हैं, और दूसरा लघु ज्वार जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वॉशिंगटन में 1884 ईस्वी की सभा में हुआ। यह प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरती है। यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित की गई है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी और ऑप्शन डी शेवराय पहाड़ी और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। प्राचीन काल में ये श्रेणी मलय पर्वत में सम्मिलित थी। अनाईमुडी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत शिखर है। पलानी पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती
विस्तार है। अगला प्रश्न, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। ऑप्शन बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। और ऑप्शन डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों में है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पहाड़ी के अंतर्गत झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए दक्षिण का पठार, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी उत्तरी पर्वत और ऑप्शन डी तटीय मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार सबसे प्राचीन है जो भारत का सर्वाधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसी प्रदेश में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, विध्यांचल, सतपुड़ा आदि स्थित हैं। अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख व जास्कर, ऑप्शन बी वृहद हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन सी वृहद हिमालय व जास्कर और ऑप्शन डी काराकोरम व लद्दाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर के बीच में स्थित है, जिसकी औसतन ऊंचाई 1600 मीटर है। कश्मीर घाटी अभिनूतन यानी प्लीस्टोसीन युग के दौरान करेवा झील की तलहटी थी, जो अब झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकट सुमात्रा है। ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बांडा लेक यानी इंडोनेशिया के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, जबकि दिए गए अन्य सभी स्थानों की दूरी ग्रेट निकोबार द्वीप से अधिक है। अतः विकल्प ए सही है। भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन। पहला प्रश्न, संविधान निर्मात्र परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ऑप्शन ए अनुच्छेद 257, ऑप्शन बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 257 भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। हालांकि केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? प्रावधान अनुसूची 9 में है। अनुसूची 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप तथा अनुसूची 4 ए में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी राज नारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद और ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में गोलकनाथ के वाद में न्यायालय ने ये अवधारित किया कि मूलाधिकारों में संशोधन का संसद को अधिकार नहीं है, जबकि संसद को अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके पश्चात केशवानंद का मामला सन 1973 में आया। इसमें न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए ये अवधारित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूलाधिकारों को भी संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 368 संसद को मूल ढांचे में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था सन 1972 में, सन 1987 में, ऑप्शन सी सन 1985 में, ऑप्शन डी सन 1963 में और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भाग एक, ऑप्शन बी भाग दो, ऑप्शन सी भाग सात और ऑप्शन डी भाग नौ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग दो के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है, जो न्यायालय में वाद योग्य है। ये अधिकार हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म वंश जाति लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब केवल दो तरह की उपाधियां मान्य हैं। अनुच्छेद 18(1) राज्य सेना द्वारा दी गई व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि। इसके अतिरिक्त अन्य उपाधियां वर्जित हैं। वहीं अनुच्छेद 18(2) द्वारा निर्देश है कि भारत का नागरिक इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 25 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वायंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी योजना आयोग, अब नीति आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग के एजेंडे में गरीबी का निवारण प्रमुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, बी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, सी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उपदान जोड़कर, डी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन और उनमें होने वाली वृद्धि को राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। इसकी गणना बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर विदेश से प्राप्त सकल कारक आय को जोड़कर की जाती है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ए राष्ट्रपति, बी योजना आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। राष्ट्र विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना योजना आयोग की अनुषंगी संस्था के रूप में 1952 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख कार्य योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा, योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव तथा योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना है। अगला प्रश्न, अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। ए वर्ष 2008, बी वर्ष 2009, सी वर्ष 2010, डी वर्ष 2012। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लॉन्च की, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित पहले से चल रही सभी अन्य योजनाओं को समाहित कर दिया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2006 में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किया था। इस नीति के अंतर्गत समस्त ग्रामों को 2009 एवं घरों को वर्ष 2012 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
यह योजना विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के कार्यान्वयन के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण पर केंद्रित योजना थी। इसके अतिरिक्त यह योजना मुख्य रूप से फीडर अलगाव, उपसंचरण, वितरण नेटवर्क में सुधार और नुकसान को कम करने के लिए मीटरिंग इत्यादि पर केंद्रित है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया गया था, जिसे वर्तमान में सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। दूसरा, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक के लिए निशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाने वाले सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी और 9वीं से 12वीं कक्षा में उनके पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता जैसे विस्तृत लाभ भी उपलब्ध करवाएगी। इस योजना की पात्रता निम्नलिखित है, ग्राहक की आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं 59वें जन्मदिन के समीप के बीच होनी चाहिए। दूसरा, ग्राहक परिवार का मुखिया या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार बीपीएल का एक कमाने वाला सदस्य या पहचाने गए व्यवसायिक समूह या ग्रामीण भूमिहीन परिवार के अंतर्गत गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अतः कथन 1 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है ए कार्ल मार्क्स से, बी नक्सरे से, सी एडम स्मिथ से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अर्थशास्त्री रेगर नक्से द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न, बेसल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है ए नगर, ए नागर विमानन में सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों से, बी साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से, सी खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से, या डी बैंकों की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बेसल 2 मानक बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित है। इसका निर्धारण स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में होने के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। वर्ष 1980 में बेसल 1 मानक तय किए गए थे। जून 2004 में आए बेसल 2 मानकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की एक निश्चित मात्रा में धनराशि अपने पास सुरक्षित रखने की मानक तय की गई। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बैंकों के विवेकपूर्ण नियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक सेंटर है, जिसमें 45 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक और अन्य बैंक के 28 अधिकार क्षेत्रों के पर्यवेक्षक होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निर्गमन प्रणाली यानी कि नोट इशू आधारित है ए अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी स्थिर विनिमय प्रणाली पर, या डी पूर्व परिवर्तनशीलता प्रणाली पर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने वर्ष 1957 में अपनाई थी। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए से मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य 115 करोड़ से कम का भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, वित्त श्वेतक सुधार नरसिंहम समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया? ए SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, बी SLR, CRR और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण, सी SLR और पूंजीगत मार्ग क्षेत्रीय वित्त पोषण, डी CRR, अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण और पूंजीगत मार्ग क्षेत्रीय वित्त पोषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में चार स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की जाए, जिसमें तीन या चार बड़े बैंक होंगे। SBI इसमें शामिल होगा और इसे शीर्ष स्थान प्राप्त होगा तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कार्य कर सकेगा। इसने कहा कि बेसल समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को धीरे धीरे की जरूरत है। नरसिंहम समिति ने लाइसेंस प्रणाली को खत्म करने की भी बात कही थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दूसरी बार एम नरसिंहम की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। इस समिति ने बड़े बैंकों को भी मिलाने पर बल दिया और कहा कि जहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ राष्ट्रीय स्तर के बैंक हों, वहां पर छोटे स्थानीय बैंकों को खोलने पर भी बल दिया जाना चाहिए, जिससे राज्य के स्थानीय व्यापार, उद्योग तथा कृषि को बढ़ावा मिल सके। इस लिहाज से रिजर्व बैंक द्वारा नचिकेत मोर समिति का गठन भी किया गया। इस समिति ने छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं और भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी बात कही। इस समिति के अनुशंसा के आधार पर ही सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ है ए कि यात्रा के लिए भारतीय रुपए का प्राधिकृत डीलर द्वारा विनिमय किया जा सकता है, बी कि माल और सेवाओं के व्यवसाय के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है, सी कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सन 1971 के बाद बहुत से देशों ने स्वर्ण आधारित विनिमय प्रणाली से हटकर अस्थायी विदेशी विनिमय दर प्रणाली की तरफ रुख कर लिया। अस्थायी या लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को बाजार में मांग और आपूर्ति के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। 1992 और 1993 में पहली बार केंद्रीय आम बजट ने भारतीय रुपए को आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया था। रुपए या किसी भी मुद्रा की परिवर्तनीयता को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता। पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह है कि यदि कोई निवेशक, माना कि भारतीय, विदेशों में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसको अपनी सरकार से उसके रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि सरकार रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर देती है तो वह विदेश में संपत्ति खरीद सकता है, अन्यथा नहीं। चालू खाते की परिवर्तनीयता का मतलब है कि मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। चालू खाता विनिमयता लक्ष्यों, सेवाओं और आय के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित
भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित। सामान्य विज्ञान। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी कार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके पूर्ण निरूपण के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। संवेग एक सदिश राशि है जबकि दाब, ऊर्जा एवं कार्य अदिश राशियां हैं। अदिश राशियों के निरूपण के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है ऑप्शन ए करचल ईंधन से, ऑप्शन बी बैटरी से, ऑप्शन सी द्रव क्रिस्टल से और ऑप्शन डी हाथ के विभिन्न संचलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से प्राप्त होती है जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियों में ये ऊर्जा द्रव क्रिस्टल से प्राप्त होती है। सामान्य हाथ की चाबी वाली घड़ियां स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण चलती हैं। अगला प्रश्न, भारी पानी वह पानी होता है ऑप्शन ए जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, ऑप्शन बी जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन डी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी आइसोटोप होता है जिसके द्वारा भारी पानी में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है अर्थात mg द्रव्यमान m सदैव अपरिवर्तनशील होता है जबकि गिरने की स्थिति में g एक समान लगा रहता है जिसे g के मान में तो परिवर्तन नहीं होता लेकिन वेग त्वरण g के कारण लगातार बढ़ता रहता है। इस प्रकार mg अर्थात भार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध प्राप्त नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, वायु एक ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है, ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वायु में विभिन्न गैसें सानुपातिक न होकर भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद हैं। इसीलिए इसे यौगिक के बजाय मिश्रण कहा जाएगा। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी NaHCO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है
इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मछली है? ऑप्शन ए स्टोनफिश, ऑप्शन बी वेल, ऑप्शन सी मार्लिन और ऑप्शन डी हिल्सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विश्व की सबसे बड़ी मछली समुद्री वेल है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के गदम क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18.5 मीटर और वजन लगभग 43 टन है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था? ए ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी वेरिस ने, ऑप्शन डी केल्विन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है। डीएनए की रचना का एक आधारभूत नियम है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ और गुआसिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। इसके अलावा केल्विन ने ताप के गतिवादी सिद्धांत की खोज की और 1953 ईस्वी में स्टेनले मिलर ने जीवन के उद्भव से संबंधित अनेक सफल प्रयोग किए। अगला प्रश्न, जीन्स इनसे बने होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्शन सी लिपिड्स और ऑप्शन ई ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जीन्स न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिच मिशर ने वर्ष 1868 में की थी। जोहानसन 1905 ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना जीन या कारक कहलाती है।